नमस्कार। तो आइए आपको उस स्थान से परिचित कराते हैं जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे पहले स्थान बनाया था, पर स्वाधीन भारत का अंग बनने में उसे एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा। जी हाँ, यह स्थान है अरब सागर के तट पर बसा हुआ गोवा प्रांत। भारत को दुनिया के नक्शे पर पहचान देने वाला पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा था। वह 1498 में समुद्र मार्ग से गोवा के तट पर पहुंचा था। धीरे धीरे उसने भारत के इस वेस्टर्न घाट के कोंकण क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। यह क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन करीब 450 वर्ष तक रहे। गोवा भारत के स्वाधीन होने के 16 वर्ष बाद 1961 में यह पुर्तगाली शासन से मुक्त हो पाया। 30 मई 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिला और भारत का 26वां राज्य घोषित हुआ। गोवा का क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। गोवा में लौह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है और यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो इसका निर्यात करता है। गोवा के अन्य उद्योगों में काजू और मत्स्य उद्योग मुख्य हैं। पर इन दिनों पर्यटन उद्योग यहाँ खूब फल फूल रहा है। पणजी गोवा की राजधानी का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की सकरी गलियां और उस पर झूमते हुए नारियल के कतारबद्ध वृक्ष और उनके बीच में बने हुए पारंपरिक मकान पणजी को एक अलग ही पहचान प्रदान करते हैं। गोवा राज्य में ईसाई संस्कृति का विशेष प्रभाव दिखता है। यहाँ विभिन्न काल में बने अनेक छोटे बड़े गिरजाघर हैं। गोवा की राजधानी पणजी के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ स्थित गिरजाघर अपने स्थापत्य कला के लिए विश्वविख्यात हैं। सड़क के एक तरफ भूरे पत्थरों से बना हुआ बासिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च का प्रवेश द्वार भव्य और आंतरिक हिस्सा अति सुंदर है। इस बोम जीसस चर्च का निर्माण काल 16वीं सदी था। इस चर्च की विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रसिद्ध संत फ्रांसिस जेवियर का शव 400 सालों से सुरक्षित रखा हुआ है। विशेष बात यह है कि संत के इस पवित्र पार्थिव शरीर को बिना किसी रासायनिक मसाले या लेप के चांदी के इस ताबूत में सुरक्षित रखा गया है। प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार इसे आम जनता के दर्शन के लिए सार्वजनिक किया जाता है। यह चर्च भारत में बारोक वास्तुशास्त्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। विश्व धरोहर के रूप में इसे सुरक्षित रखा गया है। पणजी रोड पर ही बोम जीसस चर्च के ठीक सामने स्थित है संत कैथेड्रल चर्च। संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण पुर्तगाली शासन में रोमन कैथोलिकों द्वारा 16वीं शताब्दी में कराया गया था। कहते हैं इस चर्च के निर्माण में 75 वर्ष का समय लगा था। यह दूधिया सफेद चर्च एशिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक है। पुर्तगाली शैली में बने इस कैथोलिक चर्च का बाहरी हिस्सा अत्यंत सादापन लिए हुए है। जबकि इसके आंतरिक हिस्से की सजावट और मूर्तियों की सुंदर कारीगरी दर्शनीय है।
अपनी भव्यता के कारण इस कैथोलिक चर्च को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गोवा का प्रमुख आकर्षण यहाँ के समुद्र तट हैं। इस बारे में हम और जानकारी अपनी अगली कड़ी में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।